हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं लेसन 7, जिसका नाम है फैमिली एंड मैरिज पैटर्न्स। अगर आप पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि उस समय पे यानी अर्ली मॉडर्न यूरोप में वहाँ की जो फैमिली थी और वहाँ पे जो शादी वगैरह हुआ करती थी उनके बारे में जानेंगे कि वहाँ की फैमिली क्या करती थी, कैसे रहती थी, वहाँ के सोसाइटी के बारे में जानेंगे, सोसाइटी कैसे वर्क करती थी, वहाँ पे जो मैरिज हुआ करती थी, कैसे शादी हुआ करती थी, कौन कौन से रिलीजियस और रिचुअल फॉलो हुआ करते थे। तो ये सब हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। अब देखिए, जो टाइम पीरियड है 1550 से लेके 1780 तक, ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है क्योंकि हम जितनी बातें करने वाले हैं इस टाइम पीरियड को ध्यान में रख के करने वाले हैं। तो ये जो टाइम पीरियड था, इसी में एक मैरिज पैटर्न को फॉलो किया जाता था, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे वो मैरिज पैटर्न क्या था। लेकिन अब देखिए, ये जो मैरिज पैटर्न फॉलो किया जाता था ना, ये जब पीरियड बीत जाता है तो इसमें ना काफी ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, एक तरीके से शिफ्ट आ जाता है ना। पहले कुछ रिचुअल्स फॉलो किए जाते थे, है ना, एक पूरा प्रॉपर पैटर्न हुआ करता था, है ना, यूरोपियन मैरिज पैटर्न हुआ करता था। लेकिन अब इसमें शिफ्ट आ चुका था। क्यों आ चुका था? क्योंकि अब लोगों का ज्यादा मतलब मैरिज में ना भरोसा रहा नहीं था। अब लोग सिंगल रहने लगे थे, है ना, ज्यादातर लोग तो शादी नहीं करते थे, या करते भी थे तो डिले करने लग गए थे। पहले लोग बहुत मतलब 20 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में शादी कर लेते थे, लेकिन अब लोग 25 साल तक, 30 साल तक करते हैं, कोई कोई 40 साल तक शादी करता है। तो काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं शादी में। तो हम ये देखने वाले हैं कि आखिर ये चेंजेस क्यों आए हैं। अब देखिए, उस समय पे क्या होता था कि जो शादी वगैरह की जाती थी वो इकोनॉमिकली, सोशली और रिलीजियसली इन्फ्लुएंस होती थी, है ना। क्योंकि उस समय पे जब शादी किया जाता था, जो व्यक्ति हुआ कर रहा था उसका स्टेटस देखा जाता था कि मतलब वो कमाता कितना है, उसकी समाज में पोजिशन किस मतलब कैसी है, वो कौन से धर्म से आता है ना, कौन से रिलीजियस वो फॉलो करता है, तो ये सब चीजें देखी जाती थी। लेकिन जब शिफ्ट आने लगा, जब शिफ्ट आ गया था तो ये सब चीजें बदल गई थी, है ना। तो हम ये अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो सबसे पहले हम देख लेंगे, थोड़ी हिस्ट्री जान लेंगे, यूरोपियन मैरिज पैटर्न की हिस्ट्री जानेंगे कि पहले शादियां कैसे हुआ करती थी। अब देखिए, जो टाइम पीरियड था 1550 से लेके 1780 तक, इसमें काफी सारे चेंजेस आए थे मैरिज में। पहले शादियां क्या होती थी? स्टेटस देख के होती थी, है ना, और शादी करना जरूरी भी होता था। और जो मतलब सेम स्टेटस के हुआ करते थे, यानी जो राजा है वो अपनी बेटी की शादी राजा के घर में ही करेगा, है ना, या फिर कोई जो अमीर बंदा एरिस्टोक्रेट है वो दूसरे एरिस्टोक्रेट के साथ शादी करेगा, गरीब बंदा अपने गरीब अपना फैमिली के साथ शादी करेगा। तो मतलब ऐसी शादियां होती थी उस समय पे। लेकिन इस समय पे काफी सारे चेंजेस आ चुके थे। अब लेट मैरिजेस होने लगी थी, यानी अब लोग ना शादी में इतना ज्यादा भरोसा नहीं करने लगे थे, अब बहुत लेट शादियां करने लगे थे। पहले शादियां हो जाती थी 20 की उम्र में, 15 की उम्र में, 16 या 18 की उम्र में हो जाती थी, 20 से पहले हो जाती थी। लेकिन अब इसमें धीरे धीरे लेट होने लग गया था, 25 तक करने लग गए, 30 तक करने लग गए। तो ये चेंज आने लग गया था। और साथ ही साथ लोग ब्रह्मचर्य का फॉलो करने लग गए थे, यानी अब लोग शादी ही नहीं करते थे, अब शादी से दूर रहने लग गए थे। इसके कई सारे कारण थे जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें खासकर जो वुमेन यानी जो महिलाएं थी वो ज्यादा इसको फॉलो करती थी ब्रह्मचर्य को, उनका मान वो मतलब शादियां कम करने लगी थी। उसके पीछे भी कई कारण थे, जैसे कि उस समय के कानून, क्योंकि जो उस समय के कानून थे वो मैन को ज्यादा फेवर करते थे, है ना, सारी प्रॉपर्टी का जो हक होता था वो मैन को होता था और काफी सारे राइट मिले हुए थे मैरिज को लेकर मैन को। तो इसलिए जो वुमेन्स होती थी वो शादी वगैरह से बहुत दूर रहने लगी थी। अब देखिए, जो चर्चेज हुआ करते थे उनका काफी ज्यादा रोल होता था शादियों में। तो देखिए, जो चर्च हुआ करते थे उन्होंने उस समय के यूरोपियन मैरिज पैटर्न को आकार दिया। कैसे दिया? इन्होंने सबसे पहले रक्त संबंध को प्रतिबंधित करा। रक्त संबंध यानी जो भाई बहन होते हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते, है ना। और जो दूसरा इन्होंने कहा, सहमति के ऊपर जोर दिया, यानी जो लड़का है और जो लड़की, उनको आपस में सहमत होना चाहिए शादी के लिए, है ना। उसमें पूछते भी ना, आप शादी के लिए सहमत हैं, फिर दूसरे से पूछते हैं, है ना। तो जो चर्च होता था, इन दोनों चीजों पे इन्होंने काफी ज्यादा प्रभाव डाला। और पहले के समय पर जितनी भी शादी हुआ करती थी वो चर्चेज में ही हुआ करती थी, है ना। जो चर्च का पॉप हुआ करता था वो सबकी शादी कराया करता था, और दोनों की जो पक्ष है, दोनों आपस में पक्ष को सहमति होनी चाहिए जब भी शादी वो संपन्न होती थी। अगर सहमति नहीं होती थी तो शादी नहीं हो सकती थी, है ना। तो जो पॉप था वो दोनों की सहमति लेता था और साथ में ये भी चेक करता था कि दोनों भाई बहन तो नहीं है, है ना, कजन्स हो सकते हैं लेकिन सगे भाई बहन नहीं हो सकते। और जो चर्च था उन्होंने मेनली जो बातचीत था उस पर ज्यादा फोकस किया, क्योंकि बातचीत करने से ही जो आपसी सहमति वो बढ़ती है और जो रिश्ता है वो काफी लंबे समय तक चलता है। अब देखिए, उस समय पे एक फिलोसोफर हुआ करते थे जिनका नाम था थॉमस माल्थस।
तो इनके हम विचार को जानेंगे कि मैरिज को लेकर इनके क्या विचार थे। तो देखिए, जो माल्थियस थे, इन्होंने अपने दो सिद्धांत दिए थे। इन्होंने अपना पहला सिद्धांत जो दिया था, उसमें इन्होंने ये बताया था कि जो जनसंख्या है वो काफी तेजी से बढ़ती है। अगर कोई 15 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में शादी कर ले, जल्दी बच्चे पैदा करेगा, तो इससे क्या होगा कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो मेनली जो फूड रिसोर्सेज है, उस पर ज्यादा लोड पड़ेगा। क्योंकि जो मतलब जो क्रॉप वगैरह उगता है, खाना वगैरह उगता है, उसमें एक मतलब फिक्स टाइम लगता है ना, एक पीरियड होता है। और अगर जल्दी जल्दी जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने पर लोड पड़ेगा, इससे क्या होगा, गरीबी फैल सकती है और महामारी फैल सकती है, या फिर वो अकाल पड़ सकता है ना, ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने से। और दूसरा इन्होंने बताया प्रिवेंटिव चेक्स के बारे में। अब प्रिवेंटिव चेक्स मतलब होता है निवारक जांचें, यानी जो सरकार है या फिर जो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको हमेशा ये जांच करते रहना चाहिए कि जो शादी वगैरह हो रही है उसमें कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, और जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए वो स्टेप्स उठाने चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने दो चीजों की बात की है, एक तो लेट मैरिज की और ब्रह्मचर्य की। मतलब जो माल्थियस है वो ये कहते हैं कि अगर जो लोग है, अगर वो शादी लेट करेंगे, 25 की उम्र में, 30 की उम्र में शादी करेंगे, तो इससे जो सरकार है देश में ना, कम लोड पड़ेगा ना, जो जनसंख्या है वो भी कंट्रोल में रहेगी, और जो जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी नहीं, है ना। और लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि जितने जो जनसंख्या कम होगी, उतने जो रिसोर्सेज है उस पर जो लोड है वो कम पड़ेगा, इससे जो गरीबी है, भुखमरी है, अकाल पड़ना है, ये सब कम हो सकेगा, है ना। तो माल्थियस का ये कहना है। अब हम देखेंगे मैरिज पैटर्न एंड सोशल स्ट्रक्चर। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले क्या होता था कि 20 से पहले शादी कर दी जाती थी, लेकिन जैसे ही पीरियड आया 1550 से लेकर 1780 तक का, तो इस पीरियड में क्या होने लगा कि अब लोग लेट शादी करने लगे, 25 तक, 30 तक करने लगे, और कोई कोई ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा, है ना। अब इसके पीछे का कारण ये था कि जो लोग थे, अब वो ऐसा सोचने लगे थे कि हमें पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना है जब भी हम शादी करेंगे, है ना, हमें सबसे पहले इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हम पैसे नहीं कमाएंगे तो हम घर कैसे चलाएंगे। पहले क्या होता था, पहले लोग शादी कर लेते थे, फिर सोचते थे कि अब कमाना कैसे है, घर कैसे चलाना है ना। लेकिन अब क्या हो रहा था, लोग सोचने लगे थे पहले हमें लाइफ में स्टेबल होना है, सेटल होना है, जब भी हम शादी करेंगे। तो इसी वजह से जो लोग है वो लेट शादी करने लगे थे, 20 तक, 25 तक करने लगे थे, 30 तक करने लगे थे, जब तक कि वो लाइफ में स्टेबल नहीं हो जाए और फाइनेंशियली फ्रीडम ना हो जाए ना, इंडिपेंडेंट ना हो जाए, तब तक वो शादी नहीं करेंगे। और खासकर जो इसमें महिलाएं थी, जो वुमेन्स थी, वो ऐसा सोचती थी कि हमें सबसे पहले हमें फाइनेंशियली स्टेबल होना है, हमें पैसे कमाने, तभी हम शादी करेंगे। क्योंकि उस समय पे क्या होता था कि जो मेल डोमिनेंस ज्यादा थी, है ना, पुरुषों के लिए सारे कानून हुआ करते थे, उनको ज्यादा अधिकार दिए गए थे। तो उस समय की वुमन ये सोचती थी कि हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हम शादी करेंगे तो हम एक तरीके से ट्रैप में फंस जाएंगे, फिर हमें कमाने नहीं दिया जाएगा, फिर हम एक तरीके से जो मैन है उस पर डिपेंड हो जाएंगे, है ना। तो वहां पे जो वुमेन्स थी वो ब्रह्मचर्य का पालन करने लगी, है ना, वो अनमैरिड रहने लगी वुमेन्स का, हम शादी ही नहीं करेंगे, हम अपना खुद कमाएंगे, खाएंगे और रहेंगे। अगली चीज थी सोशल स्टेटस, मोबिलिटी एंड मैरिज। अब देखिए, उस समय पर जो शादी की जाती थी ना, वो जो सोशल स्टेटस है उसको बढ़ाने के लिए की जाती थी, है ना। जो अमीर लोग हुआ करते थे, यानी जब मान लीजिए कोई राजा हुआ करता था, उसको अगर अपनी बेटी की शादी करवानी है तो वो एक ऐसे राजा को ढूंढेगा जो काफी ज्यादा पावरफुल है, जो काफी ज्यादा पैसे वाला है, ऐसे राजा के साथ अपनी बेटी की शादी करता था, है ना, ताकि उसका एक तरीके से उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, एक तरीके से एक राजा का सपोर्ट मिल जाएगा, एक तो पावर भी मिलेगी और सोशल स्टेटस भी उसका काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसी चाहे कोई भी नोबल हो, एरिस्टोक्रेट हो, चाहे वो मिडिल क्लास ही क्यों ना हो, वो मतलब सोशल स्टेटस देखकर ही शादी करा करते थे, है ना। अमीर घर में ज्यादा शादी की जाती थी और अपनी पावर बढ़ाने के लिए शादी की जाती थी। और खास करके जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो खासकर एक यूनियन बनाया करते थे, है ना, जो उसका वो ये डिसाइड करता था कि किसकी शादी किसके साथ होगी, है ना। मान लीजिए एक राज्य में बहुत सारी लड़कियां हैं कुंवारी, है ना, तो एक यूनियन बना दी, यूनियन डिसाइड करेगा किस लड़की की शादी किसके साथ होगी, है ना, ताकि हम उससे मतलब दूसरे राज्यों के साथ मतलब वो बना सके, मतलब कैसे ना, रिलेशन बना सके। और इससे क्या होगा कि जो दूसरे राज्य वो हम पे हमला नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे यहाँ की लड़कियां होंगी वो उनके यहाँ पे शादी कर लेंगी, है ना। एक टाइप से यूनियन बनाई जाती थी जो डिसाइड करती थी लड़कियों की शादी कहाँ की जाएगी, और ये इसलिए किया जाता था ताकि जो सोशल स्टेटस है उसको बढ़ाया जा सके। मतलब एक तरीके से उस समय पे जो महिलाएं होती थी उनको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं थी अपने मन से शादी करने के लिए, उनके अलग से ही लोग बैठा दिया करते थे, वो डिसाइड करते थे कौन किसके साथ शादी करेगा। मेनली वेल्थ को देखा जाता था, इन्फ्लुएंस को देखा जाता था, जो सबसे ज्यादा राज्य पावरफुल होता था, पैसे वाला होता था, तो वहां पे ज्यादा शादियां होती थी। अब हम देखेंगे मैरिज फॉर्मेशन को लेकर क्या बेसिक कंसेंसस थे। कंसेंसस मतलब होता है किसी ग्रुप ऑफ पीपल का किसी एक चीज पर एग्री हो जाना, जैसे कि
जो अर्थ है वो गोल है, तो सभी लोग एग्री करेंगे कि हाँ जो अर्थ है वो गोल है क्योंकि उसको प्रूफ कर दिया गया है। तो एक तरीके से जो लोग हैं वो एग्री कर रहे हैं, तो इसी को बोलेंगे कंसेंसस। तो हम ये जानेंगे कि मैरिज को लेके उस समय पे लोग किस बात से एग्री किया करते थे। तो सबसे पहले जो कंसेंसस है वो है चर्च के टीचिंग्स को लेकर, कि जो मैरिज हुआ करती थी उस समय पे जो चर्चेस था उसका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, चर्च के हिसाब से ही शादी हुआ करती थी, चर्च के जो नियम है उनकी जो प्रथाएं रिचुअल्स है उसी के हिसाब से शादियां हुआ करती थी, तो इस बात को लेकर सभी लोग एग्री किया करते थे। लेकिन अब उस पीरियड में क्या हुआ था कि चेंजेस आने लगे थे, अब लोग अपनी मन पसंद से शादी करने लगे थे, है ना। अब लोगों की इच्छाएं होनी चाहिए थी, लोगों की सहमति होनी चाहिए थी, अब जो लोग जिससे प्रेम करते थे उसी से विवाह करते थे, है ना। एक तरीके से जो लोग थे ना वो मॉडर्न होने लगे थे, अब वो पुराने रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते थे, अब वो पैसा वगैरह नहीं देखते थे, मतलब देखते थे लेकिन उतना नहीं देखते थे। अब जैसे मिडिल क्लास है वो चाहे तो गरीब से भी शादी कर सकता था, या फिर जो राजा महाराजा था उसकी जो बेटियां हुआ करती थी वो भी किसी आम लड़के से शादी कर लेती थी। अब इतना स्टेटस उस समय पे नहीं देखा जाने लगा था। मेनली जो म्यूचुअल एग्रीमेंट है वो होना चाहिए, है ना, और जो पर्सनल चॉइस है उसके हिसाब से उस समय पे शादियां होने लगी थी। यानी बस वही बात है, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, है ना। तो पहले काजी बहुत कुछ कर सकता था लेकिन अब वो काजी हट चुका था, उसका रोल हट चुका था, बस मियां बीबी राजी होने चाहिए तो शादी हो जाती थी। तो ये काफी बड़ा उस समय पे एक सोसाइटल चेंज आता है, क्योंकि पहले क्या होता था जो माँ बाप होते थे वही डिसाइड करते थे कि कहाँ पे शादी करनी है कहाँ नहीं करनी है, लेकिन अब काफी चेंज आ चुका था। अब जिसको शादी करनी है चाहे वो लड़का या लड़की है वो डिसाइड करेगा कि मुझे किससे शादी करनी है किससे शादी नहीं करनी है। तो एक तरीके से जो मैरिटल डिसीजन है उसमें ऑटोनॉमी या इंडिविजुअल राइट आ चुका था। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक रोल्स एंड लेबर मार्केट। तो देखिए अगर हम उस समय की इकोनॉमी की बात करें तो जो उस समय की फैमिली हुआ करती थी वो इकोनॉमिक यूनिट की तरह काम करती थी। इकोनॉमिक यूनिट क्या होती है, जब सारे लोग इसी एक ही काम में लगे हों। एग्जाम्पल के लिए अगर सारा पूरा परिवार खेती करता है तो वो जो पूरा फैमिली है वो टाइप से इकोनॉमिक यूनिट की तरह काम करता है। तो देखिए उस समय पे क्या होता था, मेनली खेती हुआ करती थी या फिर कोई उत्पादन होता था, है ना, किसी भी चीज का, तो जो पूरी फैमिली हुआ करती थी या तो वो खेती करती थी साथ में मिलकर किसी एक चीज का उत्पादन करती थी। तो उस समय पे क्या होता था कि जो जितनी भी फैमिली हुआ करती थी वो इकोनॉमिक यूनिट की तरह काम करती थी। तो उस समय पे ऐसा नहीं होता था कि एक आदमी खेती कर रहा है, एक आदमी कुछ उत्पाद कर रहा है, एक आदमी कुछ उद्योग कर रहा है, तो ऐसा नहीं हुआ करता था। जो एक परिवार है उसके सभी लोग एक ही काम करते थे, तो इसी को इकोनॉमिक यूनिट कहा जाता है। और उस समय की जितनी भी फैमिली थी वो मेनली दो ही काम करती थी, या तो खेती करती थी या उद्यम करती थी। अब देखिए एक तरीके का शिफ्ट आता है लेबर मार्केट में, पहले लोग सब खेती किया करते थे लेकिन अब लोग दूसरे दूसरे कामों में जाकर लगने लगे थे ना, दूसरा रोजगार ढूंढने लगे थे खेती के अलावा। अब देखिए 18th सेंचुरी में क्या होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, इंडस्ट्रीज लगने लगती है, फैक्ट्री लगने लगती है, वहां पे मशीनें लगती हैं, तो वहां पे लोगों की जरूरत होगी। तो अब जो लोग जो पहले खेती क्या करते थे अब वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे थे, रोजगार की तरफ जा रहे थे, जॉब पाने लगे थे, है ना, अब वो फैक्ट्री में काम करने लगे थे। अब देखिए किसी चीज का उत्पादन हो रहा है तो उसका व्यापार भी होगा, तो अब लोग व्यापार करने लगे थे, जो ट्रेड था उसका ग्रोथ हो रहा था। और साथ ही साथ उस समय पे आर्टिसनल क्राफ्ट का भी राइज हुआ, यानी जो शिल्पकार हुआ करते हैं, कारीगर हुआ करते हैं, है ना, जो हाथों से मूर्ति को तराशते हैं या फिर कोई भी चीज बनाते हैं, तो इनका भी उदय होने लगा। अब लोग खेती से हटकर अब इस चीजों में जाने लगे थे, कोई व्यापार में जाने लगा, कोई फैक्ट्री में काम करने लगा, या फिर कोई मूर्ति वगैरह बनाने में, स्कल्पचर्स बनाने में लग गया। अब हम देखेंगे जेंडर और एज का क्या रोल था लेबर में। तो देखिए जो मैन हुआ करते थे उनका ज्यादा एंगेजमेंट हुआ करता था, उनको मेनली माना ही इसलिए जाता था कि जो आदमी है वो पैदा ही कमाने के लिए होता है, तो उनका ज्यादा रोल था लेबर में। उस समय पे जो महिलाएं होती थी वो घर को संभालती थी और जो घर के काम हुआ करती थी सिर्फ उन्हीं को किया करती थी। लेकिन उस समय पे थोड़ा चेंज आ चुका था, तो जो महिलाएं थी ना वो टेक्सटाइल प्रोडक्शन में भी काम करने लगी थी, वो कपड़े वगैरह बुनती थी, है ना, और भी कई सारी चीजें बनाया करती थी हाथों से जो बनती हैं, जो बास्केट वगैरह बनती हैं या छोटे मोटे जो खिलौने वगैरह बनते हैं, और भी कई सारी ऐसी चीजें हुआ करती थी जो घर पे बैठे बैठे बनाती थी। मेनली उनका वर्क फ्रॉम होम ही चलता था, घर पे बैठे बैठे वो काम किया करती थी। यहाँ तक कि जो बच्चे हुआ करते थे वो भी काम करवाते थे, जो गरीब घर के बच्चे हुआ करते थे, जहाँ पे गरीबी है वहाँ के तो बच्चों को भी काम करना पड़ेगा, तो जो गरीब बच्चे हुआ करते थे वो भी अपनी छोटी छोटी एज में काम किया करने लग गए थे, है ना, क्योंकि उनकी गरीब परिवार था, उनको पैसे चाहिए, है ना, पैसे चाहिए तो काम करना पड़ेगा, तो जो गरीब बच्चे वो भी काम करते थे। तो यहाँ पे सभी जेंडर का आपने रोल देख लिया, मेनली जो आदमी थे वो काम करते थे, जो महिलाएं होती थी वो घर पे रहकर ही काम करती थी, और यहाँ तक कि जो बच्चे हुआ करते थे गरीब घर के वो भी काम किया करते थे। अगला है इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी राइट। अब देखिए यूरोप में ना हर जगह के जो रीति रिवाज हुआ करते थे वो काफी अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन एक रीति रिवाज था जो सेम हुआ करता था, वो था ज्येष्ठ अधिकार।
जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रीमोगेनिचर। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टी है या फिर जो भी जायदाद है उस पर जो पहला हक है वो किसका होगा, बड़े का होगा, या जो ज्येष्ठ होगा यानी जो बड़ा बेटा होगा घर का, उस पे उसका पहला अधिकार होगा प्रॉपर्टी पे। और आपने ऐसा देखा भी होगा जो राजा महाराजा हुआ करते थे, पहले जो राजा बनता था मतलब राजा के मर जाने के बाद जो पहला राजा बनेगा वो बड़ा बेटा ही होता था, अगर बड़ा बेटा मर जाता है तो फिर छोटा बेटा राजा बन सकता है। तो उस समय पर ये विचारधारा फैली हुई थी कि जो बड़ा बेटा है वो सिर्फ उसी को मतलब पहले अधिकार देना चाहिए, पहला मतलब विरासत सौंपनी चाहिए, ताकि जो बड़ा बेटा है वो मतलब पूरी जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा कर सके और उसको अच्छे से मैनेज कर सके। क्योंकि जो छोटा बेटा होता है उसमें थोड़ा सा दिमाग कम होता है ना, उस समय पर ये माना जाता था। और जो छोटे बेटे होते हैं वो ज्यादा चंचल वगैरह होते हैं, मस्तीखोर होते हैं ना, वो पैसे को ऐसी उड़ा सकते हैं, ज्यादा जिम्मेदारी नहीं लेते, मतलब ये कहने का मतलब ये, जो बड़े बेटे होते हैं उन पर जिम्मेदारी ज्यादा होती है तो वो जिम्मेदारी को अच्छे से संभाल सकते हैं। इसलिए जो प्रॉपर्टी वगैरह या जो जायदाद होती थी, विरासत होती थी, वो बड़े बेटे को ही सौंपी जाती थी। लेकिन ये मैं उसकी बात करूँ राजा महाराजाओं की, जो नोबल लोग हुआ करते थे। लेकिन अगर हम गरीब लोगों की बात करें, उन पर तो वैसी कुछ नहीं होता था, जो भी होता था वो आपस में बांट लिया करते थे बच्चों में। अब ये तो हो गई पुरानी बात, अब धीरे धीरे समाज में चेंज आने लगता है। अब लोग एक नई प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, इसे बोलते हैं इगैलिटेरियन इनहेरिटेंस प्रैक्टिस, यानी समतावादी विरासत प्रथाएं। यानी कि यूरोप में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे रोमन लॉ लागू होता था, यानी रोमन लॉ के अनुसार जो जमीन हुआ करती थी वो जो बच्चे हुआ करते थे उनमें बराबर बांटी जाएगी, है ना। जितने भी बच्चे, मान लीजिए चार बच्चे, तो चारों में जो जमीन है वो बराबर इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। और यहाँ तक कि जो जेंडर है वो मैटर नहीं करता, यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ बेटे को ही दी जाएगी, तो बेटी होती है तो बेटियों को भी दी जाएगी, है ना। बेटा और बेटी दोनों में जो जमीन है उसको बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इससे क्या होता था कि जो परिवार है उसमें एकता बनी रहती थी। अगर हम किसी एक बेटे को ही सारी प्रॉपर्टी दे देंगे तो चाहे वो उसको बेच दे या फिर जो दूसरे भाई बहन उनको प्रॉपर्टी में से निकाल दे ना, वो कुछ भी कर सकता है, तो ये तो काफी गलत बात हो जाती थी। इसलिए जो प्रॉपर्टी थी उसको इक्वल इक्वल बांटा जाता था, ताकि जो फैमिली यूनिटी वो बनी रहे। अगला है डोरी एंड मैरिज सेटलमेंट, यानी दहेज और विवाह समझौता। अब देखिए उस समय पे डोरी यानी दहेज लिया जाता था, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो इंश्योर हो सके कपल्स की। और दहेज देने के भी कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि जो फैमिली के बीच में जो अलायंस है वो दोस्ती काफी ज्यादा गहरी हो जाती है, और साथ ही साथ एक टाइप की सिक्योरिटी आ जाती है रिलेशनशिप में। क्योंकि जैसे कि अगर आप दहेज वगैरह देते हैं तो जो रिलेशनशिप है उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है ना, वहीं पर अगर आप दहेज वगैरह नहीं देते हैं, सिर्फ जो लड़की है सिर्फ वो घर में जाके रहती है और कुछ नहीं ले जाती अपने घर से, तो जो रिलेशनशिप है उसको तोड़ना काफी ज्यादा आसान हो जाता है ना, जो अलायंस है उसको तोड़ना आसान हो जाता है। तो दहेज इसलिए दिया जाता है, एक तो इससे क्या होता है जो अलायंस है वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है और रिलेशनशिप भी काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है, और साथ ही साथ एक टाइप की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है ना एक तरीके से। तो इससे क्या होता है रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो उस समय पर जो डोरी है या फिर जो मैरिज सेटलमेंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, और आज के समय पे भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो डोरी में क्या होता है, वेल्थ का ट्रांसफर होता है ना, पैसे वगैरह दिए जाते हैं या फिर जमीन दी जाती है या फिर कोई घर या प्लॉट वगैरह दे दिया जाता है ना, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सके। और साथ ही साथ ना डिसीजन लेने में आसानी होती है, जैसे कि कोई पिता है उसको अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड करनी है बेटे और बेटी में, तो बेटे को तो आधा हिस्सा दे देगा, आधा हिस्सा क्या करेगा वो शादी में दे देगा दहेज के तौर पर, किसको, उसके पति को। फिर पति डिसाइड करेगा कि उसका क्या करना है ना, चाहे तो वो अपनी बीबी के नाम भी करवा सकते हैं, अपने नाम पर भी रख सकता है। और देखिए उस समय पे ये भी होता था, अगर जो पिता है अगर वो अपनी बेटी को दहेज दे देता है ना अब ससुराल वालों को, तो ऐसे में जो बेटी है वो फिर अपने जो अपने पिता की जो प्रॉपर्टी है उस पर क्लेम नहीं कर सकती। ऐसा माना जाता था कि जो पिता ने अपनी आधी संपत्ति बेटी को दे दी है दहेज में, और जो बेटी है वो वापस से कोई भी संपत्ति वगैरह नहीं मांग सकती। हाँ वो अलग बात है कि बेटी के नाम पे नहीं होती, वो उसके पति के नाम पे होती है, क्योंकि उस समय पे पैट्रियार्कल सोसाइटी थी ना, पितृसत्तात्मक थी, तो जो पति होता था वही डिसीजन लेता था कि वो मतलब पैसों का क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अगला है द हाइट सिस्टम एंड सोशल हायरार्की। अब देखिए जो हाइट सिस्टम में जो हाइट है, हाइट जो एक टाइप की ना एक मेजरमेंट यूनिट होती है, जैसे आज के समय पे हम बात करें हम जो प्लॉट है हमारा या जो जमीन है उसको हम गज में नापते हैं, तो उस समय पे यूरोप में ना उस लैंड को हाइट में नापा जाता था। तो हाइट क्या होता है, एक टाइप का एक मेजरमेंट यूनिट है जिसमें हम लैंड को नापते हैं। अब देखिए आज के समय पे हम ऐसे बोलते हैं ना, उसके पास एक बीघा जमीन है, दो बीघा जमीन है, उस समय पे ऐसे ही बोला जाता था कि उसके पास इतने हाइट है ना,
तो हाइड के अंदर ना कई हजार एकड़ आ जाते हैं, यानी कई हजार बीघा आ जाते हैं। मतलब हाइड बहुत ही बड़ा एक सिस्टम था, क्योंकि उस समय पे जमीन खाली पड़ी रहती थी। उस समय पे थोड़ी ना कुछ प्लॉट वगैरह कोई बांट रहा होगा, बड़ी बड़ी जमीनें बांटी जाती थी, तो हाइड सिस्टम में बांटी जाती थी। हाइड मतलब बहुत बड़े बड़े लैंड्स को नापने की ये इस्तेमाल किया जाता था। इसमें कई हजार एकड़ आते थे। तो हाइड का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ लैंड सफिशिएंट टू सपोर्ट अ हाउस होल्ड, मतलब एक टाइप का एक अमाउंट ऑफ लैंड है, इसको हाइड बोला जाता है। अब देखिए, जो हाइड का साइज हुआ करता था वो काफी ज्यादा बड़ा होता था, है ना, और इसमें मेनली खेती की जाती थी। अब जिसके पास ज्यादा हाइड होगा, उसके पास ज्यादा लैंड होगा, ज्यादा एरिया होगा, वो ज्यादा खेती करेगा और ज्यादा पैसे कमाएगा, है ना। तो जिसके पास जितना हाइट वो उतना ज्यादा अमीर। तो अब देखिए, हाइट सिस्टम एंड सोशल स्टेटस। अब देखिए, जो हाइट सिस्टम है ना, उसको सोशल स्टेटस से जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि जिसके पास जितनी जमीन वो उतना ज्यादा अमीर, उतना समाज में उसकी प्रतिष्ठा होगी, है ना, पहुंच होगी। अगर आप एग्जाम्पल के लिए, किसी के पास एक बीघा जमीन है और किसी के पास 100 बीघा जमीन है, तो किसका मतलब समाज में ज्यादा पावर होगी, जिस किसकी सबसे ज्यादा रेपुटेशन होगी, 100 बीघा वाले की? वैसे उस समय पे भी होता था, जिसके पास ज्यादा हाइट होता था वही सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ करता था उस समय पे। तो जो हाइट सिस्टम था उसको सोशल स्टेटस के तौर पर देखा जाता था। जिसके पास ज्यादा जमीन वो उतना ज्यादा पावरफुल, और उसी के पास फिर ज्यादा रिश्ते वगैरह भी आते थे। तो जिसके पास जितने ज्यादा हाइट्स हुआ करते थे, तो समाज में उसके पास उतनी ज्यादा प्रतिष्ठा हुआ करती थी और ज्यादा समाज में इन्फ्लुएंस हुआ करता था। तो उस समय पे जब रिश्ता जोड़ा जाता था तो हाइट्स देखे जाते थे कि इसके पास कितने हाइट है, ना कि सरकारी नौकरी। अगला है, अब हम कंपैरिजन करेंगे हिस्टोरिकल एंड मॉडर्न यूरोपियन मैरिज रिचुअल्स, यानी पुराने समय पे क्या किया जाता था और मॉडर्न समय पे क्या किया जाता है। अब देखिए, जब पुराने समय पे कोई भी रिश्ता जोड़ा जाता था तो उस रिश्ते में सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस फैक्टर जुड़े हुए होते थे। जैसे कि सबसे पहले सोशल, यानी जो राजा है वो अपने बेटी की शादी राजा के यहाँ ही करेगा, जो अमीर बंदा है, जो नोबल है, जो एरिस्टोक्रेट है, वो अपने अमीर दोस्त के साथ ही करेगा, या फिर जो गरीब है वो अपने गरीब समाज के साथ करेगा, है ना। तो इसमें सोशल फैक्टर इंक्लूड होता था, साथ ही साथ इकोनॉमिकली, है ना, जो ज्यादा अमीर होता था वो अमीर के साथ करेगा, जो गरीब है वो थोड़े से ज्यादा, अपने से ज्यादा रईस के साथ करेगा, लेकिन वो भी उतना ही गरीब होगा, और मिडिल क्लास अपने मिडिल क्लास के साथ करता था, है ना। तो इकोनॉमिक फैक्टर भी जुड़ा होता था, और साथ ही साथ रिलीजियस फैक्टर भी जुड़ा होता था, यानी जो शादी होती थी वो सिर्फ चर्च में होती थी, जो पॉप होता था वो अपने परंपराओं के अनुसार शादी करवाता था, और जैसे जैसे वो करवाता था उनको करना पड़ता था। और देखिए, जो पूरी सेरेमनी होती थी ये चर्च के द्वारा गवर्न, यानी रेगुलेट की जाती थी या कंट्रोल की जाती थी, जो चर्च कहता था लोगों को वैसे ही करना पड़ता था। एग्जाम्पल के लिए कि चर्च ने कहा कि भाई हमारी परंपरा है, जहाँ पे जो भी शादी करता है उसको एक सोने का बिस्किट दान करना होता है चर्च में, तो अब क्या होगा, जब भी शादी होगी वहाँ पे कोई ना कोई सोना दान किया जाएगा। तो एक टाइप से जो चर्च है ना वो रेगुलेट करता था शादियों को, सेरेमनियों को, और अपने फायदे के लिए भी कुछ कुछ काम करवा लेता था, और लोगों को ना चाहते हुए भी वो काम करने पड़ते थे। और साथ ही साथ जो चर्च होता था वही अप्रूव करता था शादी को, है ना। अगर चर्च कहेगा कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तभी उस शादी को लीगल माना जाता था। तो उस समय की जितनी भी शादियां हुआ करती थी वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सोशल अलायंस के लिए की जाती थी, यानी पावर को इंक्रीज करने के लिए और वेल्थ को जनरेट करने के लिए शादियां की जाती थी, रेदर देन रोमांटिक आइडियल्स। यानी उस समय पे प्रेम व्रेम, भले ही अगर आपको किसी से प्यार हो जाता था, लेकिन उससे शादी नहीं होती थी जब तक कि वो परिवार पावरफुल या पैसे वाला ना होता। यानी पुराने समय पे प्यार व्यार नहीं देखा जाता था, आपको जहाँ पे बोला जाएगा वहीं पे शादी करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए, जैसे जैसे समय बीतता गया, मॉडर्नाइजेशन होने लगा, है ना, नया समय आने लगा, तो जो रिचुअल्स थे वो भी चेंज हो गए थे, है ना। अब जो लोग शादी करते थे वो अपने डिसीजन के अनुसार करते थे, और यहाँ पे जो रोमांटिक जो डील्स थी वो ज्यादा होने लगी थी, यानी जिससे आपको प्यार करते हैं आप उसी से शादी कर सकते थे, है ना। अब काफी चेंजेस आ चुके थे, अब जो परिवार का रोल होता था शादी में वो भी कम हो गया था, साथ ही साथ जो चर्च का जो इन्फ्लुएंस था वो भी कम हो चुका था। अब चाहे तो कहीं और भी अपनी शादी प्लान कर सकते हैं, वहां का जो चर्च का जो पॉप होगा वहां पर आके आपकी शादी करवा देगा, जरूरी नहीं कि आप चर्च में शादी करें। और जो चर्च अपनी मनमानी करता था ना वो भी अब काफी हद तक कम हो चुकी थी। और पहले के समय पे क्या होता था, जो भी सेरेमनी होती थी यानी जो शादी करवाई जाती थी वो चर्च के अनुसार करवाई जाती थी, लेकिन अब लोग अपने अनुसार शादी कर सकते हैं। अब वो चाहे तो अपनी शादी में डांस करवा सकते हैं, गाने गवा सकते हैं, चाहे तो जैसे मर्जी हो, सिंबोलिक गेस्चर है यानी जो डिसाइड कर सकते हैं कि सबके ड्रेसिंग कोड क्या होगा, है ना, कैसे शादी होगी, कहाँ शादी होगी, कितना बजट होगा, तो लोग अब खुद से डिसाइड कर सकते हैं हर चीज। अब देखिए, मॉडर्न समय में क्या हुआ था, शिफ्ट आ चुका था प्रैग्मेटिव से पर्सनल सेलिब्रेशन की तरफ, यानी अब व्यवहारिक की जगह व्यक्तिगत उत्सव की तरफ बदलाव आ चुका था।
यानी पहले लोग ना व्यवहारिक रूप से शादी किया करते थे, यानी लोग देखते थे कि उसके पास भूमि कितनी है, धन कितना है ना, कितनी उसके पास पावर है, उसी के हिसाब से शादी किया करते थे। लेकिन अब ये सब चेंज हो चुका था और व्यक्तिगत उत्सव की तरफ आ चुका था। यानी अब जो शादी हुआ करती थी उसमें क्या होता था कि पर्सनल चॉइस हुआ करती थी, आपको मतलब रिश्ता पसंद है कि नहीं है वो डिसाइड किया जाता था। जो शादी करने वाला जो लड़का या लड़की वो डिसाइड करते थे कि मुझे इससे शादी करनी है या नहीं करनी है, और आपसी सहमति जरूरी होती थी। तो अब ये जो व्यवहारिक है, ये व्यक्तिगत उत्सव की तरफ बदलाव इसमें आ चुका था। और अगर हम बात करें कि मैरिज रिचुअल्स में रिलीजन का क्या रोल है, तो पहले इसका बहुत रोल हुआ करता था। जो भी शादी होती थी उसमें जो भी प्रथाएं होती थी वो सब चर्च डिसाइड करता था, और चर्च के अनुसार ही पूरा प्रोग्राम पूरा सेरेमनी करवाई जाती थी। लेकिन अब इसका जो इन्फ्लुएंस है काफी हद तक कम हो चुका है ना। अब लोग डिसाइड करते कि उनको शादी कहाँ करनी है, कैसे करनी है ना, और शादी के अंदर क्या क्या होगा, डांस होगा, म्यूजिक होगा, या क्या क्या होने वाला है शादी के अंदर। अब सब ये पर्सनलाइज हो चुका है, यानी अब लोग डिसाइड करते हैं। और अब तो यूरोप में कई ऐसे लोग भी हैं जो अब रिलीजन पे बिलीव ही नहीं करते हैं, वो काफी ज्यादा सेक्युलर हो चुके हैं, वो भगवान पे भी विश्वास नहीं करते हैं ना, तो वो अपने हिसाब से शादी कर लेते हैं। या तो वो कोर्ट में जाके कर लेते हैं साइन वाइन करके, या फिर वो कोई और रिचुअल फॉलो करके शादी कर लेते हैं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो आपने देख लिया कि पुराने समय में कैसे शादियां हुआ करती थी और नए समय में अब कैसे शादियां होती हैं। अब कमेंट करके बताइए कि आप कैसे शादी करने वाले हैं। आप अपनी पसंदीदा लड़की से शादी करेंगे या जहाँ पे माता पिता डिसाइड करेंगे वहाँ पे शादी करेंगे, तो कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।